जय श्री राम बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे एरर, उसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी बच्चों की डिमांड पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन के। लिखिएगा एक क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 12 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 12 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइव मीटर ईस्ट में गया, फिर 12 मीटर नॉर्थ में गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 5 मीटर ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। 5 मीटर किधर गया? फिर 12 मीटर किधर गया? ठीक है, तो आप लोग कैसे करते हो उसको, पहले इधर गया फिर इधर गया, ये 5 मीटर ये 12 मीटर, तो डिस्टेंस तो सिंपल है, 5 प्लस 12 17 मीटर, और ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं इसको, एक्स अगर मैं कहूं तो डिस्प्लेसमेंट होगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144, 169। नोट करिए, हो गया। लेकिन ये बात आपको बता दूं, ये प्रॉपर अप्रोच नहीं है इस क्वेश्चन को करने की। प्रॉपर अप्रोच क्या है समझते हैं, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो डिस्टेंस तो सिंपल x प्लस वाई
लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो वेक्टर वाले मेथड से इसको निकालेंगे। इस तरह से अभी आपको दोनों मेथड में कोई खास फर्क दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होगा आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है। इसको भी नोट करिए, ये हो गया। तो देखिए एक और क्वेश्चन, करिए इसको। आया भाई, देखिए बेटा डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। तो जब ये यहां से यहां गया तो सर्कमफ्रेंस पे ट्रेवल कर रहा है, पेरीमीटर पे ट्रेवल कर रहा है सेमी सर्कल के लिए, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई आर, सेमी सर्कल है ना, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पॉसिबल। जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ चाहिए, तो हम देखेंगे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट।
तो ए से ओ तक, इसको मैं ओ मान लूं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा ए से ओ, फिर ओ से बी, ए से ओ मतलब आर और ओ से बी मतलब आर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, समझ आया? आईआईटी 83 में पूछा था कभी ये। हाँ रब कर दें इसको, ए से बी जा रहा है एक पार्टिकल, ठीक है, सेंटर पे ये रेडियस आर है, सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना, तो डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए। डिस्टेंस निकालते हैं, चलिए पहले पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ जिसको हम कहते हैं, यही तो डिस्टेंस होता है, ये आर के इक्वल है। आप एक चीज जानते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, आर्क जो है वही तो डिस्टेंस है, तो मतलब आर्क क्या हो गई, एंगल इनटू रेडियस, एंगल 60 डिग्री है मतलब पाई बाय 3, तो ये हो गया। जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें बता दूं, 180 डिग्री को बेटा पाई रेडियन कहते हैं, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं एंगल हमारा बन रहा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो गया पाई बाय 3, 90 डिग्री कितना हो जाता अगर होता तो पाई बाय 2, 45 कितना हो जाता, 30 डिग्री कितना हो जाता, ये वैल्यू हम फिजिक्स में यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं पता नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। बात आई डिस्प्लेसमेंट की, अब डिस्प्लेसमेंट निकाले, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने बताया शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस इन बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, तो दिस वन इज द इनिशियल एंड दिस वन इज द फाइनल, तो ये हमें चाहिए, है ना। अब कई तरीके हैं, इसको रब कर दें, स्क्वायर में तो एरिया होता है, लेंथ नहीं होती कभी, ना डिस्टेंस स्क्वायर में होगा ना डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर में होगा, बुद्धि लगाओ। देखो बेटा 9th-10th में आप पढ़ चुके, दो ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हो तो एंगल भी तो इक्वल होंगे, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है,
तो ये एंगल अगर x है तो ये भी x है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, सो x plus 60 is equal to 2x is equal to 120, और जब x 60 हो गया तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स कैसी होती हैं इक्वल, तो जब ये आ रहा है ये आ रहा है तो ये भी तो आ रहा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हाँ समझ में आया बेटा, कर सकते हैं हम इस टाइप का क्वेश्चन। एक और देखिए, एक पार्टिकल ए से बी जा रहा है, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्टेंस तो वही अभी जो बताया उससे हो जाएगा, एंगल है 120 डिग्री मतलब 2π/3, तो डिस्टेंस आ गया 2πr/3, लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करो, फिर वही देखो इनिशियल पोजीशन और फाइनल, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, इसको निकालें कैसे, अब यहां इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बन नहीं रहा, एक काम करो यहां परपेंडिकुलर डाल लो, तो ये x तो ये भी x, पूरा एंगल कितना है 120 तो आधा 60, और ये वाला भी, अब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प देखो तो 60 डिग्री के लिए ये क्या है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस है ना, तो डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करने के लिए मैं साइन थीटा यूज करूं, तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि x बाय r, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो x की वैल्यू आ गई √3r/2, ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है 2x इंटू 2 √3r/2, यानी के
रूट थ्री आर इज द डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में? नहीं आया बताओ, देखो ध्यान से, कर सकते हो अब? चलो तो इतना ही रहने दो, कल की क्लास में फिर एरर कंटिन्यू करेंगे हम।